नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 20 प्रो 5G वर्सेस Realme 12 प्लस 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Spark 20 Pro में 6.63 इंच जबकि 12 प्लस 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Spark 20 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Spark 20 Pro में 3 इंच जबकि 12 प्लस 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Spark 20 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Spark 20 Pro में 0.33 इंच जबकि 12 प्लस 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Spark 20 Pro में 198.8 ग्राम जबकि 12 प्लस 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Spark 20 Pro में LTPS LCD जबकि 12 प्लस 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Spark 20 Pro में 20:5:9 जबकि 12 प्लस 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Spark 20 Pro में 6.78 इंचेस जबकि 12 प्लस 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Spark 20 Pro में 1080x2460px FHD+ और 12 Plus 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Spark 20 Pro में 85.13% जबकि 12 Plus 5G में 87.36% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Spark 20 Pro में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 12 प्लस 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Spark 20 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और 12 प्लस 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Spark 20 Pro में 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 12 प्लस 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Spark 20 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 12 प्लस 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Spark 20 Pro में Mali G57 जबकि 12 Plus 5G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Spark 20 Pro में MediaTek Dimensity 6080 और 12 Plus 5G में MediaTek Dimensity 7050 मिलता है। बात करें रैम की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Spark 20 Pro में अप टू 1TB जबकि 12 प्लस 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Spark 20 Pro में 3 कलर्स जबकि 12 Plus 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Spark 20 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 12 प्लस 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,390 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो स्पार्क 20 प्रो 5G में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 12 प्लस 5G की तो उसमें 3 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 12 प्लस 5G आगे है, मेन कैमरा में स्पार्क 20 प्रो आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 12 प्लस 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है, दूसरा Oppo K12X 5G है, तीसरा Realme Narzo N65 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Camon 35G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।